हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हमारे सामने महिंद्रा XUV700, ये बेस वेरिएंट है MX। आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका एक्चुअल प्राइस है 14 लाख रुपये और इसका ओनरोड प्राइस है लगभग 15.25 लाख रुपये इन दिल्ली। अभी इस प्राइस पॉइंट पे क्या फीचर्स ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको महिंद्रा की वही टिपिकल कीज़ देखने को मिल जाएंगी। इसके ऊपर आपको यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी और दूसरी साइड आपके यहाँ मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉक के बटन्स और ये फ्लिप की फंक्शन के साथ मिल जाती है आपको कीज़। अभी गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे वेल काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और हैवी लुक्स देखने को मिल जाते हैं XUV700 के। ये आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुकिंग मिल जाती है। फ्रंट में हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मिलेंगे, हालांकि इसमें आपको यहाँ पे ड्यूअल हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है। हेडलाइट्स के अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक एंड कुछ क्रोम फिनिश मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और ग्रिल की बात करें, ग्रिल में आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश्ड ग्रिल मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन मिल जाती है आपको ग्रिल और इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ सिल्वर टोन भी देखने को मिल जाता है और यहाँ सेंटर में आपको महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाएगा। सेकंड ग्रिल भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एयर फ्लो ग्रिल देखने को मिल जाती है, मतलब है तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फॉर्म फैक्टर है बट दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसमें फॉग लैंप्स तो आते नहीं है, हालाँकि इसमें आपको यहाँ पे साइड में एयर कर्टन ज़रूर मिल जाएंगे ब्रेक्स को ठंडा करने के लिए। अभी साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंची देखने को मिल जाती है XUV700। साइड में आपको यहाँ पे प्लास्टिक के विलाजेस मिल जाते हैं, प्लास्टिक की साइड क्लैडिंग दी गई है और व्हील्स में आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलेंगे विदाउट व्हील कवर्स। बेस मॉडल में व्हील कवर्स नहीं आते। और इसके साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हाँ तो साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 235x65 17 इंचज के मिल जाते हैं आपको व्हील्स। टर्न इंडिकेटर्स आपको वारियंस में मिलेंगे, वारियंस आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं और डोर हैंडल्स आपको बेस मॉडल में भी वही सेम डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं और रूफ के ऊपर आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में रूफेस मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का एंटीना मिल जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का भी नहीं है बट हाँ ठीक है। वेल सबसे पहले तो मैं दीवान फोर व्हील्स का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, इनकी लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ तो अभी बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, मतलब काफ़ी बढ़िया स्पेक्टेकुलर लुक्स देखने को मिल जाता है आपको XUV700 के। ये बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है और जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं वो भी रियर में LED बेस्ड मिल जाएंगे और जहाँ पे जो ब्रेक लाइट है, जो रनिंग लैंप्स है वो भी LED बेस्ड हैं, हालाँकि रिवर्स पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलेगी। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया यहाँ पे टेल लाइट्स को। नीचे आपको यहाँ पे XUV700 की बैजिंग मिल जाती है, सेंटर में आपको यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाएगा और रियर बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी गाड़ी में दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, मतलब ठीक है बेस मॉडल है तो यार क्या करें, लेकिन गाड़ी भी तो बढ़िया वो भी तो देखो और इतने ज़्यादा प्राइस पॉइंट पर आ रही है, चार तो देने चाहिए थे। नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और कुछ ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाएगी और रियर बम्पर यहाँ पे प्लास्टिक में दिया गया, नीचे का पार्ट, अपर पार्ट तो वैसे बॉडी कलर ही है। ऊपर आपको यहाँ पे विंडशील्ड के ऊपर वाइपर एंड डिफोकर नहीं दिए गए और हाई स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि LED बेस दिया गया और साइड्स में आपको यहाँ पे विंग लाइट्स मिल जाते हैं एंड स्पॉइलर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है आपको स्पॉइलर भी। और अभी गाड़ी के बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बूट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिक बटन मिल जाता है और अभी बूट की बात की तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी आप देख सकते हैं। और ये XUV7 सीटर में भी आती है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं वही बॉडी पैनल्स यूज़ किए गए, अंदर इमरजेंसी ट्रायंगल वगैरह मिल जाते हैं, हुक वगैरह भी आपको यहीं पे मिलेगा और इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ और स्पेस मिल जाता है। इसके नीचे स्पेस व्हील आपको नीचे मिलेगा, वो भी सेम साइज़ का होने वाला स्टील रिम और बूट डोर के ऊपर आपको यहाँ पे प्लास्टिक इंसुलेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डोर क्लोज करने के लिए स्पेस मिल जाता है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं XUV700 का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है विद ब्लैक एंड कुछ बेज कलर्स। अभी डोर पे जगह कंट्रोल्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ओआरएम्स के कंट्रोल, ओआरएम्स यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, रिट्रैक्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको ऑल पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं विद ड्राइवर साइड फोटो पैनल नहीं मिलता आपको यहाँ पे, सारे कंट्रोल सेम है। और यहाँ पे आप मिल जाएंगे लॉक अनलॉक बटन, चाइल्ड लॉक बटन दिया गया, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे इल्यूमिनेटेड हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और डोर हैंडल यहाँ पे
सिल्वर टोन में दिया गया है एंड यहाँ पे भी आपको कुछ सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, बट ये दो हैंडल ओपनर में यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश मिलेगी। ऊपर आपको यहाँ पे ये पार्ट मिलता है ये प्लास्टिक में ही है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस, यहाँ पे स्पीकर इंस्टॉल्ड है। डैशबोर्ड पे दिए गए फीचर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आइडल इन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पे आपको इसके MID का कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये हेडलैम्प लाइटिंग स्विच दिया गया, इसमें भी आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाएंगे आप देख सकते हैं। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है XUV700 में, और ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में भी लग रहा है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर एंड ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है, नीचे आपको यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन मिल जाता है फ्लैट बॉटम। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, राइट साइड यहाँ पे किसी भी टाइप के कंट्रोल्स नहीं दिए गए, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। इसके एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, सिर्फ टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं दिया गया बेस मॉडल में। यहाँ पे क्लस्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सबसे पहले तो एनालॉग डिज़ाइन में दिया गया क्लस्टर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भी एनालॉग डिज़ाइन में भी देखने में। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाता है टैकोमीटर, बीच में MID, और राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया। वेल काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्लस्टर देखने में, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा है नहीं बताने को। नीचे आपको फ्यूल गोजन कूलन टेम्परेचर वगैरह मिल जाते हैं, ऊपर आपको डेट एंड टाइम एंड आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाएगा। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, और राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। हाँ, इंफोटेनमेंट की बात कर रहे थे हम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 इंच की टच स्क्रीन। वेल ये भी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की, टॉप एंड वेरिएंट से भी, मतलब टॉप एंड वेरिएंट के जैसे तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की स्क्रीन मिल जाती है आपको यहाँ पे भी। इसमें आपको एंड्रॉइड वगैरह मिल जाएंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ मैं डीप में जाऊँगा नहीं। रेडियो वगैरह, म्यूज़िक फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटिंग्स में आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एसी की बात करें तो आपको यहाँ पे मैनुअल एसी देखने को मिल जाता है, मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं ये, और ये लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाता है टेम्परेचर, राइट साइड आपको यहाँ पे फैन स्पीड का कंट्रोल मिल जाएगा, और बीच में आपको मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, और इसमें इकोन मोड भी दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इसमें फ्यूल वगैरह अच्छे से बचाएगा आपका। और यहाँ सेंटर कंसोल में आपको मिल जाएंगे एयरबैग ऑन या फिर ऑफ है उसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप सीट बेल्ट वगैरह रिमाइंडर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको अलार्म बटन मिल जाता है, और यहाँ पे होम भी दिया गया इसके लिए, इंफोटेनमेंट को सपोर्ट करता है वो। और ये स्क्रीन सेवर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ सेंटर कंसोल में आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, कुछ यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फ़ोन आ सकते हैं आप देख सकते हैं, दो फ़ोन यहाँ पे आप आसानी से रख सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी फोकस नहीं था गया, बट हाँ ठीक है बता चुका हूँ वही फोन। ये गियर लीवर के ऊपर आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है, कुछ क्रोम फिनिश भी दी गई इसके ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है बेस मॉडल में भी। और इसके ऊपर मतलब XUV700 में आपको 6-speed मैनुअल देखने को मिल जाएगा, और हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की मिल जाती है आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम टिप भी मिल जाती है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, एक बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का, इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको। ऊपर आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग एलॉय मिल जाएगा, और यहाँ पे रूफ के ऊपर आपको लाइट मिल जाती है जो कि LED बेस्ड है, और सन वाइज़र के ऊपर यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया विद टिकट होल्डर, और सन वाइज़र काफ़ी अच्छे से ब्लॉक कर लेता है ये। और इसमें भी आपको बेस मॉडल में मिलता है, नहीं मिलता आपको एक्सटेंडेबल, नहीं बेस मॉडल में नहीं मिलेगा आपको एक्सटेंडेबल, हालांकि साइन तो दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन बेस मॉडल में नहीं है एक्सटेंडेबल। ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये सीट बेल्ट्स आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएंगी, और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे सेफ्टी किट होल्डर मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं, अब ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे वेल काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का स्पेस देखने को मिल जाता है, ऊपर भी यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट दिया गया, वेल स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा XUV700 में भी। और ये आपको यहाँ पे सॉफ्ट ओपनिंग देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये सीधा नीचे गिर जाएगा। और सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स के एडजस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, जो ये को ड्राइवर सीट है ये 6-phase एडजस्टेबल है, और जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाएगी, तो वो 8-way एडजस्टेबल है। और अभी रियर डोर पे देखे फीचर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए कुछ स्पेस, और यहाँ पे डोर ग्रैब हैंडल भी दिया गया, यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिल जाता है डोर हैंडल जो कि प्लास्टिक में मिलेगा, नीचे आपको बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा। अभी गाड़ी में कैबिन स्पेस की बात कर लेते हैं,
हाँ तो कैबिन स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैबिन स्पेस देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं एक्सयूवी 7 डबल ओ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैबिन स्पेस देखने को मिल जाएगा। लेग रूम एंड तो भरपूर देगा, थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। पीछे दिया पैसेंजर्स के आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे कुछ और स्पेस मिल जाएगा। और ऊपर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, वो भी LED बेस्ड है, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, पता नहीं कि इतनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी ब्राइट है। ऊपर आपको ये सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाएगा विद हुक, और रियर सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, लेकिन जो ये सेंटर का हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है। और रियर सीट्स पे यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा विड्थ प्रोवाइड कर देती है XUV700। और अब गाड़ी में देखे इंजन की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, 4 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल जाता है आपको इंजन। और इंजन प्रोड्यूस कर देता है 152 BHP पावर और 360 Nm ऑफ टॉर्क, काफ़ी ज़्यादा पावर फिगर्स प्रोड्यूस कर देता है इंजन। और बोनट आपको यहाँ पे इंसुलेटेड मिल जाएगा। वेल यही सब था गाड़ी में बताने के लिए, और कुछ बाकी रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।